so let's start with the section 39 and the th section 39 defines what term voluntarily voluntarily because as we we can see in section 323 hurt is punishable when when it is caused voluntarily so when you can say ki you have done this act voluntarily it will be called that it, it has been done voluntarily if इट इज एज पर द डेफिनेशन सेक्शन थ्री टाइम थ्री ट्वेंटी सॉरी थर्टी नाइन इट इज एज पर द सेक्शन थ्री नाइन नंबर सी हिंदी में बोलते हैं इसको स्वेच्छा तो अगर हम लोग अपनी पर्सनल उसको जो कॉमन पेरलेंस के लैंग्वेज को लगाएंगे तो देट विल नोट द केस ऑफ आई पी सी इफ एनी वर्ड हैज बिन डिफाइंड इन आई पी सी देन यू विल हैव टू अप्लाई देट मीनिंग ओनली एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द आई पी सी

राजस्थान में और वेअर एवर वेयर दे आस द क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स और थ्री मार्क्स जनरली इन एजेस ऑल्सो दे आस्ट द क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स फाइव मार्क्स लाइक दिस इन दैट केस दिस टर्म एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म वॉलेंटरली मे बी आज फ्रॉम यू अदरवाइज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लम्स थर्डली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देश तो एज इन केस जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि पेशेंट वॉज अंडर एनेस्थिसिया एंड ही इन दैट एनेस्थिसिया इफेक्ट ऑफ एनेस्थिसिया ही थ्रो समथिंग अपॉन दी अदर पर्सनस एंड देयर वाई कॉज ग्रीवस हट नशे में था एनेस्थिसिया की वजह से और उस नशे में उसने कोई ऑब्जेक्ट को फेंक के मारा और किसी के सर में लग गया सर फट गया तो क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने ये रेज किया है कि क्या उस पेशेंट को जो कि एनेस्िया के इफेक्ट में था उसको कोई पनिशमेंट दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता अब उसने क्या किया उसने सर फाड़ दिया किसी का इट मीन्स ही हैज कॉज ग्रीवस इंजरी जो इंजरी उसके इफेक्ट से आई है दैट इज द ग्रीवस इंजरी नाउ वी विल हैव टू सी वेदर इट इज वॉलेंट्रली और नॉट वेदर हीज एक्ट मे कम इन टू द कैटेगरी ऑफ वॉलेंट्रली और नॉट वेदर ही हैज कॉज दैट ग्रीवस हर्ट

है ना तो एटलीस्ट यू वॉज बी नोइंग कि जब पत्थर लगेगा किसके तो उसे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा तो दोनों बातों को कवर किया देखिए इधर ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट सो दिस इ टेक्निकल लैंग्वेज आप इसको इलासे समझिए फिर बाद में अप्लाई करेंगे समझिए ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन द लार्ज टाउन तो दिस इज द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड वॉट सेटिंग फायर सेटिंग फायर इज ऑल्स ए मीन्स किस माध्यम से वो काम कर रहे हैं इट इज ए सेटिंग फायर इज ए मीन्स ए सेट फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन द लास्ट टाउन फॉर द परपज ऑफ फैसिलिटेटिंग ए रॉबरी एंड दस कॉज इज द डेथ ऑफ ए पर्सन तो प्लीज नोट इट वट वॉज हिज सी इसको ऐसे देखिए आप ये लोग वॉट हिट इज सेट्स फायर बाई नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस था फॉर दर्पज ऑफ फैसिलिटिंग रॉबरी लेकिन इफेक्ट क्या हुआ कॉज इज द डेथ ऑफ ए पर्सन ही वॉज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ है ना ही मे बी इवन सॉरी फॉर डैट कि कोई इंसान मर गया मेरा पर्पज क्या था रॉबरी को फैसिलिट करना था लेकिन फिर भी इफ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ अगर उसको नॉलेज थी कि इस तरीके से सेटिंग फायर करने से किसी की डेथ भी हो सकती है देन ये कहा जाएगा ही कॉज डेथ वॉलेंटरली उसने जो डेथ की है वो वॉल्टरली की है सी वॉट वॉज हिज एक्ट सेटिंग फायर वॉट वॉज हिज इंटेंशन इंटेंशन वॉज फॉर द परपज ऑफ फैसिलिटेटिंग द रॉबरी बट वॉट वॉज द इफेक्ट इफेक्ट वॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन नाउ यू सी द लैंग्वेज अगेन दिस इज a person is said to cause an effect effect is death here you caused death voluntarily say why because when you cause it by setting fire means you did not intend to cause it but you either knew or you had reason to believe that you may cause death also yeah at least you had a reason to believe तो घर कैसा था आपका वो इनहेबिटेड हाउस था कोई वीरान घर ऐसा नहीं था वो उस घर में लोग रहते थे तो अगर ऐसे घर में आग लगाओगे तो एटलीस्ट इट कैन बी सेड दैट यू हैड से रीजन टू बिलीव इधर यू न्यू और हैड रीजन टू बिलीव दिस तो फॉर द परपज ऑफ इसमें ए पर्सन इज टू कॉज एन इफेक्ट हम कब कहेंगे कि यू कॉज द इफेक्ट इफेक्ट क्या डेथ बाई मीन वेन इधर यू इंटेंडेड या तो इंटेंशनली आपने वो किया और यू हैव द नॉलेज यू न्यू इट और थर्ड कैटेगरी इज यू हैड ए रीजन टू बिलीव इट गॉट इट और नॉट देखिए सो क्वेश्चन आपके उसमें देख लीजिए मेंस में कैसे आए वॉलेंट्रली को एक्सप्लेन कराया राजस्थान पी में सो so, कुल मिलाकर ये है कि आपको देखना पड़ेगा सेक्शन डिफाइंस वॉलेंट्रली इन रिलेशन टू कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट नो टू दूंग काम कर रहे हैं उससे वॉलंट्री डिफेक्ट नहीं हो वेरी टेक्निकल बात है ये उसको समझाना भी आसान नहीं होगा मैं में आपको इसलिए मैंने थोड़ा स्लाइड बना के लाया हूं आपके लिए मैं कि आप समझ पाओ वॉट इज डूइंग आग लगा रहा है इफेक्ट क्या है किसी की डेथ हो रही है तो जो वॉलंट्री को समझाने वॉट यू डिड वॉलंट्री वो कह मैंने वॉल्ट्रली क्या किया मैंने वॉलंट्रली आग लगाई थी नो no! टरली विल डिमेंड बाय द इफेक्ट यू वॉल्टरली कॉज डेथ आप क्या कहेंगे मैंने जो काम किया स्वेच्छा से वॉलंटरली क्या किया मैंने तो आग लगाई थी आग लगाने क्या है आग लगाना फायर. मुझे उसका पनिशमेंट दो नो वी विल सी द इफेक्ट वॉट वाय द इफेक्ट योर एक्ट सो दिस सेक्शन डिफाइन्स वॉलेंटरली इन रिलेशन टू कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट इफेक्ट क्या हुआ उस बात का ना कि आपने काम क्या किया वॉट आर यू हैव डन इट इट वी विल सी वॉट इज द इफेक्ट ऑफ इट एंड इन दिस केस द डेथ वॉर द इफेक्ट तो इट कैन बी सेंड दैट ही कॉज डेथ वॉलेंटरली और वॉलेंटरीली कौन कौन से वर्ड हैं यहां पर फिर आपके लिए एक इसको एक फॉर्मूला बना लीजिए वेन यू आर डूइंग समथिंग इंटेंशनली इट मीन्स यू आर डूइंग इट वॉलेंटरली वेन यू आर डूइंग समथिंग विद नॉलेज

टू नाइनटी नाइन एवर कॉज इज डेथ बाई डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी और विद द नॉलेज इन सेक्शन टू नाइनटी नाइन दूज वॉट द वर्ड्स इंटेंशन और नॉलेज तो एक तरीके से समझ लीजिए ये वॉलंट्री के तीन बच्चे हैं एक इंटेंशन एक नॉलेज एक हैव रीजन टू बिलीव इट तो इफ दे आर सेइंग इंटेंशन अगेन इट मीन्स ये कौन से खानदान जा रहा है वॉल्टरली के ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इट इन इफेक्ट इट मीन्स वॉलंटरली इन नॉलेज का इफेक्ट क्या होगा इट मीन्स अगेन यू आर डूइंग इट वॉल्टरली बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग विद नॉलेज इट मींस यू आर डूइंग इट वॉलंटरली समझे आप नहीं समझे नाउ 323 में जाइए प्लीज गो टू योर बेरेक्ट 323 वेन ही सेज यहां पर यहां पर नहीं मिलेगा आपको आपको बेरैक्ट पर देखना पड़ेगा सेक्शन थ्री ट्वेंटी थ्री प्लीज शेयर बेर एक्ट आपस में कर लीजिए वहां पर जो तो शब्द यूज किया है वॉलेंटरिली इफ ई कॉज इज हर्ट वॉलन्टरली इट मीन्स वॉट इफ ई कॉज इज हर्ट इंटेंशनली और नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट बाई ही टू कॉज हर्ट समझे नहीं समझे आप ये नो आई कम टू द प्रॉब्लम कि अगर एक पेशेंट एनेस्थीसिया के इफेक्ट में कुछ फेंकता तो है तो वी विल हैव टू सी वेदर हैज डन इट वॉलंटरली नो वेदर ही इंटेंशनली वेदर हैज डन इट विद नॉलेज और वेदर ही हैज अ रीजन टू बिलीव इट दैट ही गोइंग टू डू ही इज गोइंग टू डू दिस नो इन द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया है ना एनेस्थीसिया देन इट विल बी सीन कि वॉट वाज द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ एनेस्थिसिया वेदर ही वाज उसकी जो डिग्री ऑफ कंट्रोल था वेदर ही वाज इन ए पोजिशन टू फॉर्म एन इंटेंशन नॉलेज और इट वाज एक एडरप्टली उस इम्पल्सिव हो गया उससे अगर वॉल्ट्री का इफेक्ट एलिमेंट नहीं आ रहा है उसमें देन दैट पेशेंट विल बी एक्सक्यूज फ्रॉम दैट ही मे गेट द इफेक्ट ऑफ दिस इज एट्टी फाइव और एट्टी सिक्स का एट्टी सिक्स में यू विल हैव टू सी दैट इन दैट केस है तो वो आपके पर्टिकुलर फैक्ट देखने पड़ेंगे लेकिन विद डैट हेल्प मैंने आपको समझा था वॉल्ट्री का मतलब क्या है इंटेंशन आगे तो आई होप यू यू अंडरस्टूड नोट थर्टी नाइन समझ में आए आपको बड़े आगे तो नोट्स आपके पास हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम सिर्फ इतना याद रखना है आप लोगों ने कि वॉल्ट्रली शब्द जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया अल्टीमेटली हेयर वॉट वी आर टीचिंग हेयर इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स आई एम नॉट हेयर टू मेक यू द पंडित ऑफ आई पी सी आई पी सी का विद्वान नहीं बनाना आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कराना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना याद रखना है वॉल्ट्री मतलब इंटेंशनल विद नॉलेज और हाइड्रीजन टू बिलीव एक बात नंबर दूसरी बात सेक्शन थर्टी नाइन कर लेंगे आप लोग एंड द वर्ड वॉलेंटरली हैज बिन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑफ द एक्ट

ज और हैव रीजन टू बिलीव इट यू हैव गॉट इट नाउ राम रूप ने क्या क्या इफ एन एक्ट और इट वॉज है अगर इस एक्ट को रीजनेबल केयर से अवॉइड किया जा सकता था तो हम क्या कहेंगे इट इज ए विल्ड एक्ट इट इज ए वॉलेंट्री एक्ट इट मीन वॉट ए नेग्लिजेंट एट और ओमिशन इज विल्ड बिकॉज दर्सन एट फॉल्ट डज नॉट विल टू प्रमीशन और अगर आप एक नुकसान नहीं बचा पा रहे हैं, बचा रहे हैं नेग्लिजेंटली होने दे रहे हैं इसका मतलब वो जो इफेक्ट आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो थोड़ा सा घूमकर बता रही है कि अगर किसी का बच्चा बहुत शोर मचा रहा है डीजे चला रखा है परेशान कर रखा है पड़ोसी को है ना तो पड़ोसी क्या कहेगा कि अगर आपने बच्चे को नहीं रोक रहे हैं इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं परेशान हो आर पॉइंट अगर आप एक इफेक्ट को होने दे रहे हैं और उसको बचाया जा सकता था रीजनेबल केयर से क्यों नहीं बचा पाए बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ नेग्लिजेंस केयरफुलनेस बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस आप ऐसा होने दे रहे हैं इट मींस बाय डूइंग नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस यू आर परमिटिंग दैट एट टू हैपन इट मीन यू आर विलिंग दुड हैपन सो इवन इन केस ऑफ नेग्लिजेंस यू कैन से वॉलेंटरी इफेक्ट आर यू गेटिंग दिस पॉइंट प्लीज रियजेंडा करेक्निकल थी सो प्लीज कम टू सेक्शन फोर्टी देन थर्टी नाइन ओवर दीज आर द डेफिनेशन पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है कि उन पर बहुत मेन्स में कोई क्वेश्चन बनेगा लेकिन फिल्म में दे में आस्क यू तो यू शुड यू शुड आ, एट लीस्ट लर्न द नंबर वॉल्टरी कहाँ डिफाइंड है ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है इस तरीके से तो प्लीज गो टू तो सेक्शन फोर्टी सिर्फ इतना याद रखना है आप लोगों ने इसमें कि वेयर इज द ऑफेंस डिफाइंड सेक्शन फोर्टी एंड सेकेंड बात सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें मैं आपको तो डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इसको द टर्म ऑफेंस हैज एज डिफाइंड इन आई पी एस मीन एनी एक्ट मेड पनी बाय दिनल कोड एंड एनी एक्ट मेड पनील बाय द पीनल कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉ इन सर्टे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि, कि अगर किसी एक्ट को इंडियन पिनल कोड में या किसी भी स्पेशल लॉ में या किसी लोकल लॉ में कहा पर भी कहीं पर भी हो वेदर इट इज पिनल कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉ अगर पनिशमेंट है तो इट इज इस ऑफेंस इसको एक बात समझिए ढंग से रहा एनी एक्ट मेड पनिशेबल वेन इट इज सम एक्ट इज मेड पनिशेबल इट ओनली देन इट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट समाइम्स द एक्ट इज ओनली प्रोहिबिटेड बट नॉट पनिश्ड दिस इज डिफरेंस फ्यू इय बैक स्मोकिंग वॉज स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेज वॉज प्रोहिबिटेड बट नाउ यू सी इट इज ए पनिशमेंट बींग प्रोहिटेड एंड बींगेबल वेदर इट इज इन आईपीसी पॉइंट टू बी नोटेड इंपॉर्टेंट फॉर यू क्या है क्वेश्चन मैक्म टाइम ये आया है आपसे बस ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन फोर्टी इतना भी याद कर लेंगे आपका काम चल जाएगा. और याद याद करना है, इतना special law. पहला क्वेश्चन वही स्पेशल लॉ कहा डिफाइंड है सेक्शन फोर्टी वन इतना करना है लेकिन ये समझिए क्या क्वेश्चन आया हुआ देखिए hmm. स्पेशल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो प्लीज डिफरेंशिएट आपने करना स्पेशल लॉ ए टर्म है स्पेशल लॉ और जो नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास वह है लोकल लॉ दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स सेक्शन फोर्टी वन एंड सेक्शन फोर्टी टू स्पेशल लॉ इज वॉट वेन इट इज डीलिंग विद ए स्पेशल सब्जेक्ट जैसे रेलवे एक्ट हो गया तो दिस इज रिलेटेड ओनली फॉर द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू रेलवे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट तो देखेंगे स्पेशल सब्जेक्ट कि अगर आप गैंबलिंग कर रहे हैं देन गैंबलिंग एक्ट अप्लाई हो जाएगा आपके ऊपर ये तो स्पेशल सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर किसी खास विषय पर जब होगा एंड नेक्स्ट नंबर इज ऑफ लोकल लॉ सेक्शन 42 अगेन क्वेश्चन यही आएगा कि वेयर इज द टर्म लोकल लॉ डिफाइंड सेक्शन 42 आपको हेडिंग याद करनी है मेनली सारे इसमें बस एंड खास बात क्या है इसमें देखना ए लोकल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट part पर अप्लाई होता है बस इस लाइन को मत भूलना क्योंकि तो इस लाइन से क्वेश्चन आया बता देखिए कैसे लोकल लॉ मेंशन दिस एप्लीकेबल टू व्हाट, होल ऑफ इंडिया नो ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया जिसने लाइन कर ली उसने वो टिक कराया बस कुछ करना नहीं है एनी पार्ट ऑफ इंडिया नहीं ए पर्टिकुलर किसी भी भाग पर नहीं किसी खास भाग पर ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पर लागू होगा तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेस कर लेंगे आप लोग आरजेस में क्या पूछा एक्सप्लेन लोकल लॉ डिफाइन लोकल लॉ अगेन आरजेस में तीन नंबर में दो नंबर में बस तो दिस इज फोर्टी फोर्टी वन एंड फोर्टी टू

स्टार्ट द टर्म इीगल सेक्शन फोर्टी थ्री फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्लेम्स वेयर द टर्म इीगल इज डिफाइंड दैट इज सेक्शन फोर्टी थ्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर्टी सेक्शन इलीगल टर्म इीगल कहाँ डिफाइंड है ये प्लेम्स में आएगा आपके उसमें लेकिन वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट दिस टर्म इीगल हैज वेरी प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड मोस्ट ऑफ द दैट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द सेक्शन वन ट्वेंटी ए क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी अगर आपने समझना है तो बिना फोर्टी थ्री समझे आपको समझ आएगा ही नहीं कि जब हम कहते हैं कि इलीगल टर्म तो उसका मतलब क्या होता है पढ़िए जरा क्या है पढ़िए जरा क्या है कहता है द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस नंबर वन और विच इज प्रोहबिडेड बाय लॉ नंबर टू और विच फर्निशिज ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन थ्री थिंग्स हो गए दीज आर द्री मीनिंग वर्ड इन लीगल इज एप्लीकेबल टू एवरी थिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोडेड बाई लॉ और विच फर्निशिज ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन इट मीन वॉट यू कैन सी दिस लाइक दिस याद कर लीजिए इसको और नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट इस स्लाइड को याद कर लीजिए आप क्वेश्चन सब हो जाएंगे समझने वाली बात अलग है but your all question will be solved from this slide itself what it is this if you are committing an offense we can say this is an illegal act what o offense will amount to illegal when you are doing something prohibited by law still you can say it is illegal and when this is th third degree which you are doing something which furnishes ground for a civil action again we can say this is illegal

क्शन फोर्टी थ्री द वर्ड इलीगल इज नोट एप्लीकेबल तो वैन देर इज ए क्वेश्चन लाइक दिस जैसे यहां क्या पूछा उन्होंने नोट तो प्लीज आप हमेशा अपने फिल्म से क्वेश्चन जब भी करेंगे जहां पूछा जा रहा है नोट तो उसको आपको हमें राउंड करना चाहिए या अगर पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछा है आपसे तो आपको इनकरेक्ट में को कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोग बहुत जल्दबाजी में पूछा है नॉट एप्लीकेबल आप क्या आंसर करके आ रहे हो एप्लीकेबल पूछा है आपसे इनकरेक्ट आप कर कह रहे हो करेक्ट तो उससे बचने के लिए ट्रिक यही है कि आप पहले उसको अंडरलाइन नहीं करके पूरा राउंड करेंगे कि क्या पूछा गया है उसे कहते हैं ह्यूमन एरर मानवीय भूल कि मानवीय भूल नहीं होनी चाहिए मानवीय भूल का मतलब है कि आपको आता है क्वेश्चन और फिर भी आप गलत करके कर आ रहे हैं ह्यूमन एरर्स कर रहे हैं तो विच इज एन ऑफेंस इट इज एप्लीकेबल विच इज प्रॉफिट इट इज एप्लीकेबल विच फर्निश इज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन है वॉट इज नॉट एप्लीकेबल कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन तो दिस इज नॉट कवर्ड इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री तो दिस इज केवल इसके मीनिंग से आए हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फिल्म में वो यहाँ से पूछे गए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या सही वन ट्वेंटी देख लीजिए पहले

अवैध कार्य को करने के लिए या करवाने के लिए सहमत होते हैं वैन और मोर पर्सन एग्री फॉर वॉट टू डू खुद करने के लिए और टू कॉस्ट टू बी डन करवाने के लिए वॉट एन इलीगल एक्ट अब यहां पर इलीगल एक्ट का मतलब क्या है दे आर एग्रींग आर एग्रिंग टू कमिट एन ऑफेंस और दे आर कमिटिंग टू एन एक्ट टू डू एन एक्ट विच इज प्र आर एग्री टू डू समर्निच ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन इीगल एक्ट तो उन्होंने दे यूज ओनली वन टर्म वेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट एंड इीगल एक्ट मीन्स दिस प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक बात में आ गई हो तो ठीक है तो इलिगल एड का मतलब समझ गए यहां पर कहा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी मैं वन ट्वेंटी ए नहीं समझा रहा हूँ कि लिंक किया है उसमें पर है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा दो पॉइंट ध्यान ध्यान वाले ध्यान रखने सी जो मोस्ट इंपोर्टेंट द वर्ड दर्ड हैज है वेरी वाइड मीनिंग इट इंक्लूड्स टॉट एज वेल एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये थर्ड टर्म है आपकी ये प्लीज सी दिस ये तो समझ गया ऑफेंस मीन जैसे थैप्ट चोरी मर्डर कलवेल होमेसाइड एबडक्शन किडनैपिंग दीज आर द ऑफेंसेस समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ मीनिंग स्मोकिंग सब जानते हैं कहीं पर ऐसी जगह कर स्मोकिंग करना या वॉट एवर ऑप्सिन एक्ट आर प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज वो तो, तो खैर उन्होंने ऑफेंसिव बना दिया उसको

causing injury by your negligence, it means what? You because of that injury because of your act, he can bring a civil action. So that is a foundation for for what? Foundation of civil action which furnishes ground for a civil action. So ये इतना deep हम लोग पढ़ते नहीं हैं कई बार लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो उसको मत भूलिएगा कि because of that that थर्ड टर्म विच फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन में बिकॉज ऑफ दिस इवन दॉ और द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कर लेंगे आप लोग रेज हैंड प्ले में आ गया तो देखिए, अब इसमें मैं आपको दोबारा 120 ट्वेंटी पढ़ाता हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉस टू बी डन एन इलीगल एक्ट जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई इलीगल कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं अब यहाँ इलीगल कार्य करने के लिए सहमत होना है टू पर्सन आर एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट नंबर वन क्या हो सकता है आई एंड यू मे एग्री टू कमिट मर्डर ऑफ समवन इट इज एन लीगल एक्ट यानी कि किसी का ऑफेंस करने के ऑफेंस करने के लिए किसी घर में चोरी करने के लिए सहमत होते हैं सही है जैसे फिल्म शोले जब वो कहते हैं तिजोरी देख ली और जय और वीरू घुस एग्री करते हैं कि हाँ तिजोरी साफ करेंगे ध्यान आया देखियो कि शोले इन लोगों ने दूसरी बात क्या है अगर दो लोग इस बात के लिए सहमत होते हैं कि इस आदमी की ना इतनी ज्यादा बेइज्जती करनी है ना कि किसी को मुंह दिखाने लिखा, लग ना रहे हैं डिफेमेशन टॉट ऑफ डिफेमेशन I and you are agreeing, या और X and Y agree किस बात के लिए कि ये जो लड़की है जो एक्स एंड वाई घास नहीं डाल रही है इसकी ऐसे स्नैप्स लेते हैं इसकी सारी ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ वहाँ किससे मिलती है किससे नहीं मिलती पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देंगे इसको समझ नो डिफिमेशन इज ए टॉट एज वेल तो दीज आर एग्रींग टू डू एन इलीगल एक्ट बट विच इज नॉट एन ऑफेंस

When you are agreeing to commit an illegal act, it means you may agree to commit an offense, number one, you may agree to commit a profited act, or you may agree to do something like defamation, thought of defamation, which furnishes grounds for civil action. Raise hand, please, if you understood this. Good. Now, very important, in the second part, this is. 120 का जो सेकंड पार्ट है प्रोवाइडेड दैट no 120 ए का सेकंड पार्ट प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस एक सौ बीस में क्रिमिनल कॉन्सपेरे की डेफिनेशन में देखे जो प्रोविजो है क्या कहता है प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्सपेरे नाउ दे आर यूजिंग द वर्ड वॉट ऑफेंस नोट द इलीगल एक्ट देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वाई आई से जुडिशियल एग्जाम बहुत सिंपल है क्यों क्योंकि सिलेबस कन्फाइंड है सिलेबस कन्फाइंड है सिर्फ उस कन्फाइंड सिलेबस को हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से टेक्निकली पढ़ना है वो पढ़ाने की जिम्मेदारी समझाने की जिम्मेदारी मेरी कहां से क्वेश्चन आएंगे वो सारे बताने की जिम्मेदारी मेरी और सिर्फ आप लोगों ने याद करना है और रिवीजन करना है वो भी अपने घर परिवार के साथ बांट सकते हो आप लोग क्या कि नहीं या खुद करोगे वो काम खुद कर लेना बस आप जो तो टेन से ट्वेंटी परसेंट पार्ट है खुद याद करना वो कर लीजिए केवल अब यहां पर देखो वन ट्वेंटी में ही पहले उन्होंने क्या यूज किया वर्ड इन लीगल एक्ट लेकिन प्रोविजन में क्या यूज कर रहे हैं नो नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पेरे समझे अब इट मीनस वॉट वेन यू आर एग्रींग टू कमिट एन ऑफेंस दिस इज ऑफेंस विच इज ए पार्ट ऑफ इ लीगल एक्ट विच इज ऑल्सो क्वालीगल एक्ट देन मियर एग्रीमेंट इज क्रिमिनल कॉन्स्पेरे जब वेन यू एग्री फॉर अदर एक्ट से दिस इस स्लाइड को देखिए आप इसे समझेंगे आप दिस इज इलीगल एक्ट इलीगल एक्ट कितनी मीनिंग है तीन मीनिंग है ऑफेंस प्रोटबाइल लोक तो वैन यू एग्री टू डू दिस ओनली ऑफेंस देन मियर एग्रीमेंट इज क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी बट वैन यू एग्री टू दिस यू एग्री टू कमिट दिस और यू यून यू एग्री टू डू दिस देन एग्रीमेंट प्लस सम एक्ट शुड बी देयर टू कॉन्स्टिट्यूट दस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी समझे अब यह बात नहीं है क्योंकि उसमें क्या लिखा है

इलीगल एक्ट के तीन मीनिंग हुए ऑफेंस बाय लॉ फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन 120 ए में क्या कहता है कि व्हेन यू आर एग्रींग फॉर ओनली ऑफेंस देन मीयर एग्रीमेंट बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बट व्हेन यू एग्री फॉर देन एग्रीमेंट एक्ट ओवर समझ नहीं बात आपको ये तो आपको यह बात समझ नहीं आई वन ट्वेंटी का सेकेंड पार्ट सी इसको आप पूरा पढ़िए आप ऐसे प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कि एग्रीमेंट इसका मतलब ये होगा इसको थोड़ा पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं कि इफ द ओनली द एग्रीमेंट ओनली दोज एग्रीमेंट आर एंटर्ड इन टू टू कमिट एन ऑफेंस ओनली दोज एग्रीमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी वैन सपोज कीजिए मैं और आप यह मैं और आप एग्री करते हैं कि हमने इन मैडम का आज मर्डर करना है तो वी आर एग्रींग टू कमिट एन ऑफेंस तो दिस मियर एग्रीमेंट दिस मेयर एग्रीमेंट इज एन ऑफेंस एंड द नेम ऑफेंस इज वॉट क्रिमिनल कॉन्सपेरेसी सही है अपने मर्डर करना अलग बात है अगर ये इस एग्रीमेंट को करते ही अगर बातें रिकॉर्ड हो सबूत आ जाए तो इस एग्रीमेंट के बेस पर ही हमें पनिशमेंट मिल सकता है सही है क्योंकि हमने मर्डर किया नहीं है बट वी हैव जस्ट एग्री टू कमिट एन ऑफेंस तो ये हुआ मियर एग्रीमेंट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पेरसी यहां तक बात समझ में आ गई अब सेकंड पार्ट पढ़िए अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट के साथ कुछ और भी इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परस देर ऑफ इट मीनस वॉट कि अदर ऑफेंस से अदर पार्ट जो बचे हैं आपके वो ये रहे दिस इज प्रोफिटेड बाय लॉ इफ आई एंड यू आर एग्रींग टू डू समथिंग विच इज प्रोफिटेड बाई लॉ और आई एंड यू आर डूंग एग्री टू डू सम विच फर्निश द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन लाइक फॉर कमीशन ऑफ टॉट और तब पकड़े जाते हैं तो दैट विल नॉट एन ऑफेंस अगर हम एग्रीमेंट की परसुएंस में वी डू समथिंग मोर सम एक्ट जैसे मान लीजिए जै किसी को डिफेम करने के लिए केवल कुछ फोटोग्राफ्स इकट्ठे करने हैं कुछ उसके रिकॉर्डिंग लेकर आनी है तो वी हैव स्टार्टेड टेकिंग सम स्टेप्स तो एग्रीमेंट प्लस सम एक्ट देन इट विल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन केस ऑफ दीज टू फैक्टर्स एग्रीमेंट एंड सम एक्ट, बट इन केस ऑफ ऑफेंस मेयर ऑफेंस आपने एग्री करा कि आज तो इसका आईफोन चुराना ही चुराना है बस ऑफेंस हो गया और आपने कहा कि आज इसको इतना बदनाम कर देंगे तो केवल एग्रीमेंट है ये ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा इसके साथ में बदनाम करने के लिए कुछ और भी किया आपने कोई मान लीजिए कि आज इसको ना एक काम करते हैं इसके आज कार का टायर पंक्चर कर देंगे तो केवल एग्री करना इज नॉट एफेंस आपने टायर पंचर करने के लिए हाँ, कुछ कोई की कोशिश भी की इट मीन यू डिड समो तो एग्रीमेंट प्लस सम एक्ट तो इन दो केसेस में बाय लॉ तो इलीगल एक्ट के तीन मीनिंग हो गए इन तीन मीनिंग्स में से इन दो मीनिंग्स के लिए यू नीड एग्रीमेंट एंड फोर दिस मियर एग्रीमेंट इज सफिशियंट टू कॉन्सेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्सपेरे तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलीगल एज वेल एज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलीगल प्लीज रेज हैंडा कर तो एन इवन चलिए अब एक दो पॉइंट है इसके वो देख लीजिए बस नोट कर लीजिए नोट्स आर विद यू द वर्ड्स इलीगल एंड अनलॉफुल है सेम मीनिंग यू मे फेस द वर्ड अनलॉफुल दैट है द सेम मीनिंग ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट इलीगल